उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कानपुर देहात में तैनात युवा महिला सिपाही साक्षी बालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पुलिस प्रशासन में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस का कहना कि महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन मीडिया को कुछ और ही नजर आया, क्योंकि न तो शव हवा में था और न ही खिड़की की ऊंचाई इतनी थी कि उससे लटकने के बाद कोई फांसी से मर सके। घटना कानपुर देहात के मंगालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां आज रविवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में महिला कांस्टेबल साक्षी बालियान की मौत हो गई। कानपुर देहात का मंगालपुर थाना, जिसमें तैनात महिला सिपाही साक्षी बालियान किराए के मकान में अपनी दो अन्य सहकर्मियों के साथ रहती थी। आज सुबह जब सहकर्मियों ने साक्षी के कमरे में जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। साक्षी के गले में दुपट्टे से फंदा लगा था और वो दम तोड़ चुकी थी। मकान मालिक व अन्य किरायेदार पुलिसकर्मी ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस का पूरा अमला आ गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान केशव कुमार चौधरी व अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम सिंह चौरसिया मौका मुआयना कर जांच के आदेश दिए, तो वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की। जैसे ही मीडिया कर्मी पुलिस के साथ कमरे में दाखिल हुए तो शव की हालत देखकर चौंक गए। भला कोई बिना हवा में झूले फांसी कैसे लगा सकता है। तस्वीरें साफ थी कि महिला सिपाही का शव कमरे में मौजूद एक खिड़की से बंधे दुपट्टे से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि ना तो शव हवा में था, ना ही खिड़की की ऊंचाई इतनी थी कि उससे लटकने के बाद कोई फांसी से मर सके। सर, मंगलपुर कस्बा में घटना हुई, महिला कांस्टेबल थाना मंगलपुर में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा रात में आत्महत्या कर ली गई है, और आत्महत्या के कारणों के बारे में भी जानकारी की जा रही है, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और जो भी कारण आएंगे उसी हिसाब से आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। सर, सुसाइड नोट वगैरह बरामद है, अभी सर्च किया जा रहा है, और जो भी तथ्य आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। परिजनों को जानकारी हुई? परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो आ रहे हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।